इंडिया ने किया था आयरलैंड का दौरा। इंडिया और आयरलैंड के बीच में खेली गई थी 3 मैचों की T20I सीरीज और इस सीरीज में भारतीय टीम ने आयरलैंड को चखा दी है 2-0 से हार। ये सीरीज के बाद भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड और ये अवार्ड मिलते ही उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के एक खास क्लब में एंट्री कर ली है। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह T20 इंटरनेशनल में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले 5वें भारतीय कप्तान बन चुके हैं। इस लिस्ट में टॉप पे नाम आता है सबसे ऊपर विराट कोहली का, जिन्होंने अब तक T20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान 3 बारी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है। तो इनके बाद रोहित शर्मा, सुरेश रैना और हार्दिक पंड्या का नाम आता है। इन तीनों खिलाड़ियों ने अभी तक बतौर कप्तान 1-1 बारी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता है T20 इंटरनेशनल में। तो अब इस लिस्ट में जुड़ चुके हैं जसप्रीत बुमराह भी, जिन्होंने आते ही पहली ही डेब्यू सीरीज में इन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीत लिया। तो अब अगर बात करें तो बुमराह ने इंजरी के बाद वापसी की थी 11 महीने के बाद टीम इंडिया में और आते ही कमाल का प्रदर्शन इन्होंने दिखाया। 2 मैचों में 4 विकेटें चटकाई और अब एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में भी इनको शामिल कर लिया गया है। इस सीरीज में अगर बात करें तो बुमराह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई, उन दोनों ने भी कमाल का प्रदर्शन दिखाया। 2 मैचों में 4-4 विकेटें उन दोनों ने भी चटकाई। तो सबसे ज्यादा रन बनाए भारतीय बल्लेबाजों में ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 मैचों में 77 रन। अगर बात करें इस सीरीज की तो पहला मैच जीता टीम इंडिया ने 2 रनों से। बारिश की वजह से DLS मेथड द्वारा निर्णय लिया गया पहले मैच का, तो टीम इंडिया ने DLS मेथड से 2 रनों से आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करी। तो जब दूसरा मुकाबला हुआ सीरीज का तब उसमें टीम इंडिया ने आयरलैंड को 33 रनों से हार चखा दी और तीसरा मैच तो बारिश की वजह से रद्द ही हो गया। एक भी गेंद नहीं फेंकी गई, तीसरा मैच हुआ ही नहीं, बारिश की वजह से कैंसिल हो गया और जो 2 मैच हुए थे उस पर ही निर्णय लिया गया। पहले 2 मैच टीम इंडिया जीती थी, तो 2-0 से टीम इंडिया ने आयरलैंड को क्लीन स्वीप कर दिया और ये सीरीज अपने नाम कर ली। अब भारतीय टीम करने वाली है एशिया कप 2023 की तैयारी। 30 अगस्त को एशिया कप शुरू हो जाएगा। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 2 सितंबर को होगा भारत और पाकिस्तान के बीच। अब बुमराह ने जो ये कमाल की वापसी अपनी दिखाई, जो शानदार प्रदर्शन इस दौरे में लेकिन दिखाया, शानदार वापसी दिखाई, आते ही कारनामा दिखाया, रिकॉर्ड अपने नाम बनाए, आपको बुमराह की ये शानदार वापसी कैसी लगी मुझे फटफट से कमेंट जरूर बताइए। आप देखिए तूफान स्पोर्ट, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।